हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली SBI कार्ड के बारे में जानेंगे, जो कंटिन्यूसली आज काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरा है। इतनी बड़ी गिरावट अभी तक इस स्टॉक में जब से लिस्टेड हुआ है 16 मार्च से लेके आज तक की गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी, जो कि आज ही एक ही दिन में ये स्टॉक इतना गिरा कि जितने भी ट्रेडर्स को यो IPO लगा था हाथ में, वो पूरा एकदम इतना पोर्टफोलियो डाउन कर दिया कि वो उनकी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगी है। वो क्या रीज़न रहा अपन उसके ऊपर भी विचार करेंगे, ठीक है, और क्या क्या उसमें न्यूज़ है उसके ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। वहीं पर जो भी ट्रेडर्स है जिनको भी प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होना है, जैसे आज भी काफ़ी अच्छे, जैसे बजाज फाइनेंस हिट एंड द टारगेट, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा। टेक महिंद्रा में भी टारगेट उसमें मिला आप लोगों को। अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होना चाहते हो दोस्तों, तो आप इजीली नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ऐप स्टॉक का, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आइए सबसे पहले आप लोगों को मार्केट अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। जो 9000 का लेवल था वो सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और सडनली ब्रेकडाउन दे दिया है। मैंने कल ही जो मैं इंट्राडे का जो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि स्टॉक कल मार्केट थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे रहा था और होना था डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेस और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही थी जो अपने फेवर में नहीं थी और ना ही मार्केट के फेवर में थी। 20 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 30 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो नेगेटिव थे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जो मार्केट का मूवमेंट है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर टॉप गेनर टॉप लूज़र आप देख सकते हो, जैसे बजाज फाइनेंस आपको टॉप लूज़र में सबसे ऊपर ही दिख रहा है। तो ये तो हो गई मार्केट का अपडेट। अब आप लोगों को SBI कार्ड का जो आज परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों SBI कार्ड पेमेंट सर्विस एंड लिमिटेड, आप लोगों को नाम से ही लग रहा कंपनी क्या काम करती है, SBI कार्ड मतलब SBI का जो क्रेडिट कार्ड है वो सेल करती है। सेकेंड लार्जेस्ट, जो कि 1998 में लिस्टेड हुई थी दोस्तों, ठीक है। अभी तक आप लोगों को पता है कि HDFC जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके सबसे ज़्यादा मार्केट में क्रेडिट कार्ड बटे हुए हैं। देन सेकेंड नंबर पे SBI जो गवर्नमेंट कंपनी है, आप लोगों को पता है आज की गिरावट इसमें इतने क्यों गिरा, इसमें क्या रीज़न रहा वो भी अपन देखेंगे दोस्तों। आज देख सकते हो पूरी तरीके से 15% स्टॉक गिर रहा है दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिल रहा है 15%, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस क्लोज देखिए और गैप डाउन ओपनिंग देखिए, लग नहीं रहा था कि इतना गिर जाएगा। हाई लेवल देखिए और रेड जोन देखिए, 501 रुपये 10 पैसे का आज का लो, ठीक है। वहीं पर अगर आप इसका वॉल्यूम देखिए दोस्तों, तो ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में देखिए करीबन 2 करोड़ 28 लाख का है, ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग में 1 करोड़ 29 लाख का है। 52 बिक का हाई आप देख सकते हो 18 मार्च का है, जो कि 759 रुपये का ही है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर 52 बिक का लो आज ही का लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी आज ट्रेड पोजिशन, जो कि ट्रेडर्स जो भी ट्रेडर्स है उनको एक बात ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर जो थोड़ा सा आगे की चीज़ें समझ के रखना, आगे मतलब क्योंकि डिलीवरी पैटर्न को देख के लग रहा है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडर्स है वो जो एवरेज मिलाने में लगे होंगे या नीचे से बाइंग करने में लगे होंगे, जिनका हाथ IPO नहीं लगा होगा या जिन्होंने IPO के लिए अप्लाई नहीं भी किया होगा, तो वो अब इसको इंटरेस्ट ले रहे होंगे खरीदने में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ से थोड़ा सा वेट करिए, वेट करने के बाद आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। अब आपको एक अच्छी फ्रेश बाइंग बताऊंगा कि किस लेवल पे कर सकते हो, वो चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। थोड़ा सा आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन पे भी लेके चलता हूँ। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे अभी कुछ उतना खास है नहीं, क्योंकि इनका भी फाइनेंशियल रिजल्ट पेश नहीं हुआ दोस्तों। शेयर होल्डर पेटर की ही आपको दिखा देता हूँ। प्रमोटर्स ग्रुप के पास लगभग 70% की डिलीवरी है, ठीक है, और पब्लिक के पास यहाँ पर 30% की डिलीवरी है। तो आप इजीली अनुमान लगा सकते हो कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है क्रेडिट कार्ड वाली, तो आप पैनिक मत होना। जिनको भी IPO लगा है मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इजीली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। आप यहाँ से भी अगर आप खरीद रहे हो तो थोड़ा वेट करिए या 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए,
ठीक है। उसके बाद आप इजीली इसमें मैं आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में कम्प्लीटली समझा दूंगा कि इस पोजीशन पे और क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप खरीदी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आज का चार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ। लगभग 5 दिन की अगर आप लोगों को गिरावट का बात करूँ तो आज की गिरावट और एक दिन पहले की गिरावट अगर मिला दे तो 16% की गिरावट, ठीक है। ये गिरावट इसलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि ये गिरावट इसलिए है क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर आप लोगों को नाम दिख रहा है SBI कार्ड, ये कार्ड की बिक्री यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है। पेमेंट सर्विस है वो भी यहाँ पर रुकी हुई है। अब यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो ये है कि अब बैंक में जो भी कस्टमर जा रहा है वो पैसा निकालने ही जा रहा है, ना कि पैसा डालने, क्योंकि अभी जितने भी कस्टमर है जो भी अभी लॉकडाउन का जो चल रहा है, ठीक है, लगभग 24 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक कल की डेट तक यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कल की डेट में आने वाले दिनों में भी और भी लॉकडाउन अभी बढ़ सकता है कोरोना वायरस के इन्फेक्ट से। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इनका जो भी पूरा बिजनेस है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है पूरा ठप पड़ा हुआ है, जिसके लिए जो भी ट्रेडर्स है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो भी अलग अलग म्यूचुअल फंड वाली स्कीम है, उन्होंने काफ़ी हेवी क्वांटिटी में अपना इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाला है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उनका भी बिजनेस इसी कंपनी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उनका भी बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है जिसके कारण ये स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी रीज़न ये जो लॉकडाउन बढ़ने का रीज़न, ठीक है, क्योंकि कल की डेट में आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है दोस्तों। इसका फाइनेंशियल कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन आप चेक कर सकते हो दोस्तों। रेवेन्यू देख लीजिए 30% से काफ़ी हाई है, नेट इनकम कितना अच्छा है 92%, EPS 85%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 47.95%, ऑपरेटिंग इनकम काफ़ी अच्छा है। अब कंपैरिजन में अगर आप लोगों को दिखाता हूँ तो कंपैरिजन में आप देख सकते हो इसमें स्टेट बैंक है, ठीक है। अब ये तो चीज़ें हो गई है आप लोगों के लिए, आप लोगों को और इसके बारे में कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दोस्तों चार्ट पे तो कुछ उतना खास अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा ये डाउनफॉल, ठीक है, ये डाउनफॉल जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आया, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट करें। वेट करने के बाद इजीली यहाँ से कुछ अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 440 के प्राइस तक भी अगर ये स्टॉक जाता है तो ईजिली आप यहाँ से फ्रेश बाइंग कर सकते हो और ईजिली आप एवरेज मिला के आपका पोर्टफोलियो अच्छा मैनेज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर आज देख सकते हो जो आज की न्यूज़ आई है दोस्तों, उसके इफ़ेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप लोगों को इस साइट पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बिजनेस टुडे आप लोगों को पता है कितना शानदार ई पेपर से, जो कि मोबाइल ऐप में भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को प्रोवाइड करता है न्यूज़ है, ठीक है। तो आप लोगों को इस न्यूज़ को भी पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो SBI कार्ड शेयर स्लिप ओवर 15% हिट एंड न्यू लो ऑफ 501 रुपये का, मतलब SBI कार्ड आज की डेट में स्लिप हुआ वो भी 15% और उसने आज की डेट में न्यू लो लगाया है जो कि 501 का है। अब यहाँ पर आप लोगों को सेकंड आर्टिकल देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो द स्टॉक इज ए करेंट ट्रेडिंग एट इट लोअर लेवल ऑफ 501 सिंस ए लिस्टिंग ऑन ए मार्च 16, मतलब यहाँ पर इस जो भी अभी यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 501 रुपये, वो पहली बार आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस से अभी तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग प्राइस से लगभग ये 33% इशू प्राइस से नीचे आ चुका है, मतलब 755 रुपये से 33% आ चुका है, मतलब इजीली ये स्टॉक अभी और भी इसका मूड है कि नीचे जा सकता है। ये जो आप लोगों को BS दिख रहा है ये आप लोगों को इजीली कंटिन्यू इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है जब तक ये लॉकडाउन की चीज़ें हटती नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इजीली तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पर शेयर्स ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस फेल है 15% इंट्राडे ऑन मंडे हिट ए न्यू ऑल टाइम लो फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ लॉकडाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है प्री मार्केट में, ठीक है, देख सकते हो प्री डिडेक्ट है प्रीएट ऑफ एट
24 मार्च से जो 14 अप्रैल वाला जो न्यूज़ था उस पर तो लॉकडाउन हुआ। अब यहाँ पर लॉकडाउन की जो रिपोर्ट है वो आगे एक्सटेंड हो सकती है, जिसके कारण इनका जो काम है वो पूरी तरीके से बंद है, जिसके कारण ही ये स्टॉक और गिर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर आप और भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को SBI कार्ड शेयर प्राइस हैज ए फॉल, एक लगभग 14% लास्ट वीक में 14% गिर चुका था और यहाँ पर भी अभी आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंपनी शेयर्स, यहाँ पर आप दो देखने को मिलेगा कंपनी शेयर होल्डर पैटर्न, जो शेयर होल्डर पैटर्न थे जो अलग अलग पैटर्न के, मतलब जो म्यूचुअल फंड वाले या बड़ी बड़ी बैंकिंग सेक्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। प्राइम यहाँ पर आप देख सकते हो पैटर्न डाटा ऑफ मार्च 31 मार्च 2020, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग रोज टू, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जो अपनी रोज, मतलब जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनकी प्राइस थी, मतलब लगभग मतलब आप 7.8% लेके चल सकते हो, वहाँ पर लिखा है 7.86% से घटाकर इन्होंने कितनी कर दी है 6.87। बिनली स्टेक हेल्ड बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर डिक्लाइन ओवर 5.5% फॉर 7.3%, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी हाई पोजीशन थी उन्होंने घटा के कम कर दिए, ये देख सकते हो आप लोग। तो इसी के कारण ही यहाँ पर ये स्टॉक आज की डेट में गिरा है, जो कि आप लोगों को मैंने ये न्यूज़ ऊपर भी बताया है। अब ये इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड आर्टिकल में लिखा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू एक्सपायर्ड पेलिंग अनचेंज मार्केट कंडीशन एमिन द राइजिंग क्रेश ऑफ द वायरस, मतलब ये जो वायरस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सचेंज होगा यहाँ पर ऑफ लॉकडाउन पीरियड हैव अ क्रैश वॉलिटिलिटी एंड लीड टू द डाउनफॉल इन द स्टॉक, मतलब यहाँ पर आप लोगों को अलग ही दिखा रहा है ये स्टॉक कि यहाँ पर आप लोगों को जो लॉकडाउन का जो पीरियड है वो यहाँ पर और भी अनचेंज हो सकता है दोस्तों। जो कंडीशन है मार्केट की, ठीक है, जो वायरस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, मैंने जो इसका एक नया चीज़ लगा के रखा है, मतलब ये स्टॉक अगर मेरे को 420 से लगभग 450 के बीच में मिलेगा तो मैं यहाँ से एक फ्रेश बाइंग करूँगा, जो मेरे पर्सनली, मेरी टीम की नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे जो दो लॉट मैंने अप्लाई किए थे IPO में वो मुझे मिले हैं, ठीक है। मैं उन्हें एवरेज मिलाने के लिए डेफिनेटली सेम शेयर प्राइस से, मतलब इसी प्राइस से लगभग जो 19 शेयर के दो यहाँ पर लॉट के लिए और अप्लाई करूँगा, मतलब मेरे को भी लॉट मिले थे, मतलब 19 शेयर यहाँ पर दो बार और मैं यहाँ पर इन प्राइसों से अप्लाई करूँगा दोस्तों, ठीक है, मतलब एवरेज मिलाऊँगा मैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि मेरा जो बाइंग लेवल है वो लगभग 420 से 450 रुपये के बीच में, तो आप भी इजीली इसी टारगेट प्राइस के अकॉर्डिंग वेट करिए, यहाँ से अभी इतनी फ्रेश बाइंग मत करिए, थोड़ा सा मोमेंटम सुधरने दीजिए मार्केट का, ठीक है। जो भी मार्केट का न्यूज़ आएगा वो अपन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी समझ में आया है आप वीडियो के कमेंट में नीचे राय दे सकते हो दोस्तों, आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो भी आप लोगों के लिए ला सकता हूँ, ठीक है। और अगर इंट्राडे की टिप्स एंड रिकमेंडेशन आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है F-Stock का, उसमें भी आपका जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करा के आप वहाँ पर ऐड हो सकते हो दोस्तों। एंड थैंक यू।